प्यारे बच्चों, आज हम इकाई 10 को शुरू करने जा रहे हैं, अंतिम इकाई। जो बच्चा पहली बार वीडियो देख रहा है, बेटे मेरे चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट देखिए, वीडियो देखिए, आपकी इकाई 1 से इकाई 9 तक का संपूर्ण सामग्री वीडियो के रूप में क्या है, उपलब्ध है, थ्योरी की, कुछ न्यूमेरिकल्स भी है। अब हम जैसे ही थ्योरी कंप्लीट करेंगे न्यूमेरिकल्स की वीडियो डालेंगे। तो हम पहले टॉपिक पे आते हैं, हमारा चैप्टर है दोलन। दोलन में सबसे पहला टॉपिक आता है आवर्ती गति। किसे कहते हैं आवर्ती गति? पहला टॉपिक क्या है हमारा? आवर्ती गति। आवर्ती गति आज इस चैप्टर में बेसिक पढ़ेंगे, इसके बिना हमारी गाड़ी नहीं चलेगी। आवर्ती गति क्या होती है? जब कोई वस्तु एक निश्चित समय अंतराल, कैसे, एक निश्चित समय अंतराल में एक ही निश्चित पथ पर बार बार अपनी गति को दोहराती है, बार बार अपनी गति को दोहराती है, आवर्ती गति कहलाती है। फिर सुनिए, जब कोई वस्तु एक निश्चित समय अंतराल में एक ही निश्चित पथ पर बार बार अपनी गति को दोहराती है, यह गति क्या कहलाती है? आवर्ती गति कहलाती है। और जिस निश्चित समय अंतराल के बाद यह दोहराती है, उसे आवर्त काल कहते हैं। क्या कहते हैं? आवर्त काल कहते हैं। पृथ्वी सूर्य के चारों चक्कर लगा रही है ना। जिस समय आज है 365.5 दिन, उसके बाद फिर यहीं पे होगी। एक वर्ष मतलब 365.5 दिन बाद फिर इसी स्थिति में होगी जो आज है। तो यह कौन सी गति होगी? आवर्ती गति होगी। चंद्रमा किसके चारों चक्कर लगा रहा है? पृथ्वी के चारों चक्कर लगा रहा है। कितने दिनों में? 27.3 दिन में। तो जिस स्थिति में चंद्रमा आज है, 27.3 दिन बाद फिर इसी स्थिति में होगा ये चंद्रमा की गति। तो ये चंद्रमा की गति क्या होगी? आवर्ती गति होगी। तो वो गति जो एक निश्चित समय अंतराल में एक ही निश्चित पथ पर बार बार अपनी गति को दोहराती है, क्या कहलाती है? आवर्ती गति कहलाती है। दूसरी गति की बात करते हैं हम, दोलनी गति। क्या होता है दोलनी गति? जब कोई वस्तु किसी निश्चित बिंदु के इधर उधर आवर्ती गति करती है, आवर्ती गति करती है, तो क्या कहलाती है? दोलनी गति या कांपनिक गति कहलाती है। जो जिस निश्चित बिंदु के इधर उधर गति करती है, वो बिंदु क्या कहलाता है? माध्य स्थिति कहलाता है। क्या कहलाता है? माध्य स्थिति या साम्य स्थिति कहते हैं। आगे समझ में आपको, जब कोई वस्तु किसी निश्चित बिंदु के इधर उधर आवर्ती गति करती है, तो यह गति क्या कहलाती है? दोलनी गति या कांपनिक गति कहलाती है। और वो निश्चित बिंदु क्या कहलाता है? साम्य स्थिति कहलाती है। हमारी सरल लोलक की गति है, जैसे ये देखो, हमारा सरल लोलक है, ये सिंपल पेंडुलम, वो अपनी माध्य स्थिति के इधर गया, फिर इधर गया, फिर वापस लौट आया अपनी माध्य स्थिति में। तो उसने क्या किया? एक दोलन पूर्ण किया। क्या किया? एक दोलन पूर्ण किया। यह स्थिति क्या कहलाएगी? इसकी माध्य स्थिति। क्या कहलाएगी? माध्य। यहां पहुंचा फिर अपनी पुनः स्थिति पे आ गई। दूसरी, स्प्रिंग को लटका दूं मैं। मैंने स्प्रिंग पे बाहर लटका दिया, ये स्प्रिंग है, खींच दिया, खींच के छोड़ दिया, तो इस माध्य स्थिति के कभी ऐसे हो जाएगा ये, और कभी कैसे हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा। तो माध्य स्थिति के इधर भी कंपन कर रहा है, इधर भी कंपन कर रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? दोलनी गति। अब एक क्वेश्चन अराइज होता है, दोलनी गति और आवर्ती गति में अंतर क्या है? प्रत्येक दोलनी गति आवर्ती गति होती है, प्रत्येक दोलनी गति आवर्ती गति होती है, परंतु प्रत्येक आवर्ती गति दोलनी गति नहीं होती है। दिमाग में बिठा लो बेटा इसे। प्रत्येक दोलनी गति आवर्ती गति है, परंतु प्रत्येक आवर्ती गति दोलनी गति नहीं है। क्यों नहीं है? उदाहरण देते हैं आपको। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रही है,
कैसी गति है? आवर्ती गति, पर दोलनी नहीं है। परंतु पेंडुलम सरल लोलक इधर उधर गति कर रहा है, वो दोलनी गति है पर उसमें आवर्ती गति भी है। तो सरल लोलक की गति क्या है? दोलनी गति भी है, आवर्ती गति भी है। तो इसलिए ध्यान रखना, प्रत्येक दोलनी गति तो आवर्ती गति है, पर प्रत्येक आवर्ती गति दोलनी गति हो यह जरूरी नहीं है। अब इनसे संबंधित कुछ परिभाषाएं आ जाती हैं हमारे। ये देखो, सबसे पहली परिभाषा क्या आती है? आवर्तकाल की। ये एक सरल लोलक है, ये यहां से जाता है, यहां जाता है और यहां वापिस आ जाता है, एक दोलन पूर्ण करता है। एक दोलन पूर्ण करने में जितना समय लगता है उसको क्या कहते हैं हम? उसको कहते हैं उसका आवर्तकाल। क्या कहते हैं बच्चों? उसका आवर्तकाल। कि सरल लोलक ने अपना एक दोलन पूर्ण किया और जितना समय लगा उसका क्या कहलाएगा? आवर्तकाल कहलाएगा। लेकिन एक सेकंड में जितने पूर्ण दोलन करेगा उसको क्या कहेंगे? आवृत्ति। आवर्तकाल क्या हो गया हमारा? ये आवर्तकाल हो गया टी। लेकिन एक सेकंड में सरल लोलक जितने पूर्ण दोलन करेगा उसको क्या कहेंगे? उसकी आवृत्ति कहेंगे। क्या कहेंगे? आवृत्ति कहेंगे। आवृत्ति एन क्या होती है? 1/T। एन से प्रदर्शित करते हैं, एफ से प्रदर्शित कर लेंगे। एन से कर लो या एफ से कर लो, दोनों आवृत्ति एफ और एन एक चीज ही है। हम एफ से ज्यादा करते हैं क्योंकि अंग्रेजी नाम इसका फ्रीक्वेंसी आ जाता है, इसलिए आवृत्ति कहते हैं। इसका मात्रक क्या है? इसका मात्रक है प्रति सेकंड या हर्ट्ज। प्रति सेकंड या हर्ट्ज, ठीक। अब एक परिभाषा आती है, उस परिभाषा को कहते हैं विस्थापन। कोई वस्तु आवर्ती गति कर रही है या दोलनी गति कर रही है, दोलनी गति की स्पेशली, तो अपनी माध्य स्थिति से जितनी दूरी पर है, अपनी माध्य स्थिति से जितनी दूरी पर है, ये इसका क्या हो जाएगा? विस्थापन। साम्य स्थिति से और वस्तु की स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी वो क्या कहलाएगी? विस्थापन कहलाएगी। विस्थापन कैसी राशि होती है? सदिश राशि होती है। अगर हम भौतिकी में पद करते हैं, भौतिकी में अनेक प्रकार की आवर्त गति होती है, भौतिकी में अनेक प्रकार की आवर्त गति होती है, और यह भौतिक राशि जो इन गतियों में आवर्त रूप से बदलती है क्या कहलाती है? विस्थापन कहलाती है। किसी भी रूप में जो आवर्त गति, मतलब जो आवर्त गति करने लग रही है उसकी माध्य स्थिति से जो न्यूनतम दूरी होगी वो क्या कहलाएगी? विस्थापन कहलाएगी। जैसे उदाहरण देते हैं, सरल लोलक की दोलनी गति में विस्थापन कोणीय होता है, कोणीय विस्थापन होता है। विस्थापन क्या होता है? कोणीय होता है। सरल लोलक की गति करिए वो कोण पे आधारित है। जैसे ये है, ये यहां पे पहुंची तो यहां पे क्या विस्थापन कैसा होगा? कोणीय विस्थापन होगा। कैसा विस्थापन होगा? कोणीय विस्थापन होगा। प्रत्यावर्ती धारा में, परिपथ में, संधारित की स्थिति में वोल्टेज समय के साथ बदलती है, तो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में वोल्टेज को विस्थापन चर माना गया है। प्रत्यावर्ती धारा में, परिपथ में वोल्टेज को क्या माना गया है? विस्थापन चर माना गया है। और दूसरी तीसरी चीज, जैसे ध्वनि तरंगे होती है, ध्वनि तरंगे किसमें संचरित होती है? वायु में। ध्वनि तरंगों को संचरित होने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, समझ में आ गया? तो ध्वनि तरंगे जब वायु में संचरित होती है तो माध्यम के किसी बिंदु पर दाब में परिवर्तन को विस्थापन चर लेते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें बता रहा हूं मैं। ध्वनि तरंग में जो हमारा किसी बिंदु पर दाब में परिवर्तन को हम क्या लेते हैं? विस्थापन चल लेते हैं। प्रकाश तरंग में विद्युत तथा चुंबकीय सदिश आवर्त रूप से बदलते हैं। प्रकाश तरंगों में विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र सदिश क्या होते हैं? आवर्त रूप से बदलते हैं। अतः प्रकाश तरंग में विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र सदिश को विस्थापन चर मानते हैं। तो हमने बहुत सारी स्थितियां बता दी आपको। सरल लोलक में विस्थापन जो है कोणीय होता है। प्रत्यावर्ती धारा में जो विस्थापन लेते हैं हम, वो क्या होता है? वोल्टेज को विस्थापन चर मानते हैं। ध्वनि तरंगों में हम किसी बिंदु में दाब में परिवर्तन को विस्थापन चर मानते हैं। और प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों में हम विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र सदिश को क्या मानते हैं? विस्थापन चर मानते हैं। अब हम आते हैं
अब फलन क्या होता है, जिसमें एक ऐसा स्वतंत्र होता है, जैसे आप वाई, हम एक फलन की बात कर रहे हैं, हम पे किसकी बात कर रहे हैं, फलन की बात कर रहे हैं, फंक्शन एफ एक्स, तो वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, तो क्या कहेंगे हम इसमें, y को x का फलन कहेंगे, क्योंकि y का मान x से बदल रहा है, y का मान क्या किससे बदल रहा है, x से बदल रहा है, तो y को क्या कहेंगे, x का फलन कहेंगे, आवर्ती फलन। एक टर्म आती है हमारी, क्या आती है, आवर्ती फलन। ये क्या होता है, ऐसा फलन जो निश्चित समय अंतराल के पश्चात पुनरावृत्ति होती है, ऐसा फलन जिसकी निश्चित समय अंतराल के बाद क्या होती है, पुनरावृत्ति होती है, क्या कहलाता है, आवर्ती फलन कहलाता है। देखो f थीटा प्लस t किसके बराबर हो जाएगा, f थीटा प्लस 2t, ये भी f थीटा है, एक निश्चित समय t के बाद इसमें क्या होने लग रही है, बदल रहा है, मतलब वही मान आ रहा है जो पहले था, मान बदल नहीं रहा है, तो इस तरह ये क्या कहलाएंगे, आवर्ती फलन कहलाएंगे। जैसे हमारा साइन होता है, जैसे हम एक बात करते हैं एफ टी, हमारे पास एफ टी है साइन टू पाई टी अपॉन टी, ये आवर्ती फलन है, अगर मैं एफ टी प्लस टी इसमें लिखूंगा तो ये साइन टू पाई टी प्लस टी अपॉन टी, फिर क्या मिलेगा मुझे, साइन टू पाई टी बाय टी मिलेगा, तो ये फंक्शन क्या हो गए, आवर्ती फलन हो गए। बच्चों इसी तरह कॉस का भी आवर्ती फलन होता है, जैसे कॉस को हम मानेंगे ना एफ टी इज इक्वल टू कॉस टू पाई टी अपॉन टी, ये भी समय अंतराल टी के साथ क्या होगा, बदलेगा। बच्चों मैंने आज आपको बहुत महत्वपूर्ण परिभाषाएं बताई, बैकबोन है हमारे दोलन की, आवर्ती गति, दोलनी गति, दोपावर्तकाल, व्यावृत्ति, विस्थापन, फलन, आवर्ती फलन, मैं सब आपको बताया। बच्चों अगर मेरा पढ़ाना आपको पसंद आता है, मेरा वीडियो को लाइक तो बनता है ना बेटे, वीडियो को लाइक तो कीजिए, शेयर भी कीजिए अपने साथियों के साथ, और बेटा सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब जैसे ही हमारा सिलेबस खत्म होगा इसका, हम आपको न्यूमेरिकल्स की वीडियो देंगे, प्रैक्टिकल्स की वीडियो देंगे एज पॉसिबल, तो बेटे मेरा सब्सक्रिप्शन जरूर कर दीजिए, धन्यवाद।